बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला करम फसल और शुक्र के साथ आज का वला करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इस तरह है कि आज फ्राइडे है तो कुछ रूटीन है जो आपके साथ शेयर करेंगे आज की। सबसे पहले तो यह है कि अभी जाएंगे नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद जो है वो 7:30 बजे जाना है एयरपोर्ट। लॉकडाउन के बाद मेरे ख्याल में जब कोरोना ख़त्म हुआ है तो तब एक दफ़ा गए थे, उसके बाद फिर फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो गया था थोड़ा, तो आज जाएंगे। एक तो मेरे सुपरवाइजर हैं वो जा रहे हैं, इजिप्शियन है वो, तो वो इजिप्ट ही आ रहे हैं वापस, तो उनको छोड़ना एयरपोर्ट सुबह अभी तकरीबन 7:30 बजे। अभी टाइम हो रहा है 6:30। इसके बाद जो है वो दिन में जो भी रूटीन होगी वो आपसे शेयर करेंगे। शाम में हमारे बहुत प्यारे भाई इफ्तिखार भाई जा रहे हैं एग्जिट, उनको छोड़ेंगे। तो जो भी रूटीन होगी आज की इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करते जाएंगे। अभी मैंने दोस्तों को बोला था एहसान भाई को कि सुबह नाश्ता इकट्ठे करेंगे, तो अदनान भाई को साथ लेके जा रहा हूँ हॉस्पिटल से पिक कर लूँगा, क्योंकि उनकी ड्यूटी है एहसान भाई की और असम भाई की, तो उनको पिक कर लूँगा हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से पिक करने के बाद जाएंगे नाश्ता करेंगे, इनको वापसी रूम पर छोड़ के उसी टाइम मैं अपने सुपरवाइजर को ले लूँगा और चले जाएँगे। ऐसे ही अभी करने लगा कपड़े प्रेस जुम्मा के लिए। पहले मैंने सोचा था कि आज चलो रहने देते हैं, क्योंकि सोचा नहीं यार जुम्मा है तो कपड़े तो प्रेस करने चाहिए ना। सबसे मुश्किल काम लगता है, एक टाइम था कि बहुत ज़्यादा कपड़े मैं प्रेस कर पाऊँगा, लेकिन अब कपड़े प्रेस करना सबसे मुश्किल काम लगता है। इधर किस किस को मुश्किल लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जा रहे हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, जुम्मा नमाज पढ़ के आते हैं, तो फिर आगे का रूटीन देखते हैं क्या है। जाना है गाड़ी लेने के लिए, फरहान भाई की गाड़ी खड़ी हुई है वर्कशॉप में, एक्सीडेंट थी, वो खुद तो मदीने गए हुए हैं, तो मुझे बोला था कि आप ले आना, फिर जाएंगे वो गाड़ी लेके आते हैं। अभी जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, फरीद भाई को मैंने कहा था कि आ जाएँ साथ में, फरीद भाई आ गए हैं तो गाड़ी लेके आते हैं, फिर उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे। कितने 3 बजे जाना है? 3 बजे इंशाल्लाह निकलना है एयरपोर्ट। यानी 8 मिनट बाकी है, वही 10-15 मिनट ऊपर हो जाएंगे, तो फिर निकलते हैं एयरपोर्ट के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि गाड़ी का क्या मसला था, किस लिए खड़ी की थी गाड़ी। वर्कशॉप में आ गए हैं, फरीद भाई छोड़ के चले गए मुझे, तो मैं दिखाता हूँ कब क्या मसला था, कैसे एक्सीडेंट हुई थी। बम्पर ये पूरा नया डाला, ये बम्पर इसका टूट गया था, ये लाइट एक डाली थी, लाइट थोड़ी सी बाहर थी, तो मैंने भाई को बोला कि उधर पेच लगा दें इसको वगैरह कोई ना, ताकि गंदी ना लगे। ये जी बोनट था, ये इधर से पूरा एक्सीडेंट था, ये भी पूरा नया डाला है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हो गई है ओके। अभी लेके जा रहा हूँ मैं इसको, तो जो जो भी काम थे वो कंप्लीट हो गए हैं। थोड़े से रहते थे जो मैंने आके करवा लिए, जैसे वो स्क्रू लगवाना था पीछे का बल्ब बाकी था, वो मैंने आके करवा लिया है, तो बाकी इंशाल्लाह फरहान भाई आएंगे तो इंशाल्लाह उनको भी पसंद आ जाएगा काम। ये पूरा असल में जो है वो वर्कशॉपों की मार्केट है, सनैया जिसको बोलते हैं, इधर ही गाड़ी खड़ी की हुई थी, तो अच्छा काम करते हैं पठान भाई, अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। तो यार ये मेट्रो बन रही है, मेट्रो की वजह से बहुत सारा जो है ना वो मसला ख़राब हुआ पड़ा है, यू टर्न काफ़ी आगे जाके दिए होते हैं, उसके अलावा रोड भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी, आप खुद देखेंगे कितना ख़राब रोड है यार। कभी मेट्रो बनेगी ऊपर मेट्रो गुजर रही है, कभी मेट्रो बनेगी तो कम्प्लीट होगी तो इंशाल्लाह ये रोड वगैरह भी सही हो जाएंगे। मेरा इरादा है कि फरहान भाई को कॉल करता हूँ, कॉल करके उनको बता देता हूँ कि गाड़ियाँ ने ले ली है, तो कॉल कर लेते हैं तो बेहतर है। वाहम, हाँ जी मेरे लड़ी गड्डी है, हो गया सारा कुछ सही, चराग देखी नहीं समझ आई, वो तो कोई आवाज़ ही को नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ला के खड़ी कर दी है इधर पार्किंग में, अभी निकलता हूँ, जाते हैं देखते हैं इफ्तिखार भाई का अगर सामान वगैरह पैक है तो निकलते हैं फिर एयरपोर्ट के लिए उनको लेके। तो 3 बजे का टाइम दिया होता, 3:17 हो गए हैं, सभी जल्दी से जाते हैं। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी निकले हैं एयरपोर्ट के लिए इफ्तिखार भाई को लेके। वालेकुम जी, इफ्तिखार भाई जा रहे हैं जी एग्जिट, बैग वगैरह पीछे है, अखिल भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो सुबह एक चक्कर लग गया था सुपरवाइजर को छोड़ के आया था, अभी इफ्तिखार भाई को छोड़ेंगे, आगे की रूटीन देखते हैं फिर क्या होती है। ये है जी मल फहद रोड, इस
तो अभी हम जा रहे हैं एग्जिट 4 से बाहर निकलेंगे। ये सामने किंगडम टावर आ रहा है, ये टावर देखिए माशाल्लाह क्या डिज़ाइन है। ये है जी एग्जिट 5, एग्जिट 8 से हम फिर लेफ्ट होंगे। अच्छा ये है अभी जामे नूरा स्टार्ट हो रही है हमारी लेफ्ट साइड पे। नूरा को इस रोड से दूसरी रोड पे कनेक्ट करने के लिए उन्होंने यू टर्न दिया हुआ है ब्रिज की सूरत में। ये किसी को चाहिए हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ये देखें अभी भी जामे नूरा लेफ्ट साइड पे हमारे जो है जामे नूरा की बिल्डिंग है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये वाला। जामे नूरा के अंदर मैंने भी ड्यूटी की हुई है, मेरे भाई खलील भाई भी आए थे एक दो दिन के लिए। आए थे आप? दो दिन खलील भाई ने किया, मैंने भी किया, बाकी दोस्तों ने भी किया। ये आ गया जी डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो है वो डोमेस्टिक है, ये वाला टर्मिनल 5। हमने जाना है टर्मिनल 2 पे फ्लाई नास का जो सऊदी एयरलाइन का है इंटरनेशनल। ये जी जा रहा है रोड डिपार्चर और अराइवल की तरफ, हमने जाना है डिपार्चर में। ये जी हम आ गए हैं डिपार्चर की तरफ, ये आप देख रहे हैं के तैयारे खड़े हुए हैं माशाल्लाह सऊदी एयरलाइन के। ये देखें बहुत करीब से देखें आप, भाई मेरे हर भाई को ड्रॉप कर दिया जी। मतलब आप खैर से लेके जाइए उनको। क्या से फिर भाई अल्लाह घर जाते हैं, अभी हम जा रहे हैं घर, अल्लाह उनको खैर से ले जाए, उनके कारोबार में बरकत था। आमीन जी आमीन, क्योंकि वो फाइनल गए हैं एग्जिट, तो अल्लाह पाक उन पे रहमत करे। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार भाई के जोड़े हैं एयरपोर्ट पे। तो अभी दो तीन चीज़ें जो हैं वो हैं, एक तो अली ने मोबाइल लेना है, देखते हैं उधर जाते हैं या उन्होंने मार्केट जाना था या उधर जाते हैं, देखते हैं जो भी रूटीन बनती है। रूम पे जाता हूँ फिर देखते हैं। अभी जा रहे हैं जी अली भाई का मोबाइल लेने के लिए। अली भाई कौन सा लेना है? नोट 10 लाइट। और रहमो भाई आपने आज देखेंगे चलो देखते हैं जी, जाते हैं लेके आते हैं फिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी मोबाइल ले आए अली भाई भी और रहमत भाई भी, मुबारक हो जी। खैर मुबारक हो, बहुत बहुत अली भाई मुबारक हो। मुंह मेरा लाया पहले जी। अभी जी मोबाइल की अनबॉक्सिंग मैंने कहा वो तो फिर मैं ही करता हूँ ना, एक्सपर्ट बंदा ही करेगा। स्टार्ट हो गया। अच्छा जी ये एक अनबॉक्सिंग मैं करने लगा हूँ, दूसरा तो उसने कर दिया हबीब भाई ने। मैं नोट 10 लाइट जो है इसको अनबॉक्सिंग करूंगा अभी। हमारी अनबॉक्सिंग ऐसी है देसी माहौल में। माशाल्लाह जी माशाल्लाह मुबारक हो अली भाई। अच्छा जी इसके साथ आपको सबसे पहले मिलती है डिवाइस और पिन है इसके अंदर, जो इसका पेन है, चार्जिंग है जी, फास्ट चार्जिंग है ये वाला, गुड हो गया जी, हैंड फ्री है इसमें, और क्या क्या है, USB है, आई थिंक सी टैप होगी दोनों साइड से। हाँ सी टैप है जी दोनों साइड से। और ये जी हेडफोन है सैमसंग का, गुड हो गया जी। यही अनबॉक्सिंग अभी ऑन करेंगे फिर बाद में चेक करेंगे, अभी चार्जिंग पे लगाने लगे हैं इसको। तो मुबारक हो अली भाई बॉस। क्या तो है ये दूसरा मोबाइल जो पहले खोल दिया हबीब भाई ने सैमसंग का A51 जी रहमत भाई का है, इसकी अनबॉक्सिंग भी हो गई है जी। ये सबसे पहले डिवाइस निकल आती है, उसके बाद चार्जिंग है वही हैंड फ्री है और चार्जिंग पोर्ट है, ये चीजें हैं जी इसके साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में इसी तरह की नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।